डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान ने प्रदेश के निर्वाचित SC/ST विधायकों और मंत्रियों का सम्मान किया। गुलाबी नगर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कार्यालय पर हुए सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने समाज बंधुओं के विकास का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे पूरी ईमानदारी से खरा उतरेंगे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बाबा साहब की भावनाओं के अनुरूप समाज के नेताओं और अफसरों को काम करना होगा। राजस्थान के 59 SC/ST विधायकों में से आधे से ज्यादा इस समारोह में शामिल हुए। सोसाइटी के अध्यक्ष IPS डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा, महासचिव GL वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल बैरवा और दयानंद सुकरवाल ने विधायकों और अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर और विधानसभा परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। कि आज के इस समारोह की खास बात जो ये है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 69 MLA जीत के आए हैं, 69, जबकि 59 ही रिजर्व सीट्स हैं। तो 10 सीट्स जब जनता ने अधिक जीता के भेजी है और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को सम्मान दिया है और राजनीतिक पार्टियों ने भी उनको अनारक्षित पे भेजा है और BJP ने पहली बार डिप्टी CM बनाया है, मुख्य सचेतक बनाया है और आप देखिए कांग्रेस ने भी पहली बार विपक्ष का नेता बनाया है और इस संस्थान के पूर्व महासचिव अर्जुन मेघवाल जी आज कानून मंत्री हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बाद में पहली अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो कि कानून मंत्री बने हैं। तो राजनीतिक दलों ने जो महत्व हमारे समाज को दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति को, तो हम इस कार्यक्रम के द्वारा एक संदेश देना चाह रहे हैं कि एक धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे समाज को जो आदर सत्कार दिया है, हम भी आपके साथ हैं, आप आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हमारे समाज के उत्थान के काम में लगे रहें। सभी राजनीतिक दलों से ऐसी उम्मीद है।